बेरोजगारी की मार झेल रहे आगरा के उन लोगों के चेहरे अब खिल गए हैं जिनका रोजगार ताजमहल से जुड़ा था। अब आप आगरा जाकर ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। ताजमहल से जुड़े कारोबार, होटल, ढाबा, दुकान और फोटोग्राफर जैसे लोगों का रोजगार खुल गया है। बेशकीमती इमारतों में शामिल ताजमहल आज करीब 188 दिनों के बाद खुलने जा रहा है। आपको बता दें, कोविड-19 के तहत एक लंबे समय से बंद पड़ा ताजमहल पर्यटकों का इंतजार कर रहा था, वह इंतजार अब खत्म हो गया है। और आपको बता दें, 2 शिफ्टों के अनुसार ताजमहल में पर्यटकों का दीदार प्रातः विभाग कराने की कोशिश आज से शुरू करने वाला है। लंबे समय के इंतजार के बाद आज फिर से ताजमहल का दीदार करने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से 17 मार्च से बंद चल रहा ताजमहल आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। ताज का दीदार करने के लिए पर्यटक सुबह से ही ताजमहल के पश्चिमी और पूर्वी गेट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना का खौफ अब भी दिख रहा है और पर्यटकों की तादाद बहुत कम देखने को मिल रही है। ताजमहल रोजगार का जरिया है, इसीलिए इसका खुलना बेहद जरूरी था। बहुत ही ज़्यादा है एक्साइटमेंट, और जो है हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और बहुत दिन के बाद आए हैं घूमने के लिए, और बहुत दिन के लॉकडाउन के बाद खुला है इतना, इसलिए आए हैं घूमने के लिए। लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कोरोना वायरस के मद्देनजर एक दिन में केवल 5,000 पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति मिली है। ऑनलाइन ही टिकट बुक कराना होगा। QR कोड को स्कैन करके भी टिकट लिया जा सकता है। टिकट काउंटर बंद कर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ पुरातत्व विभाग और CISF के लोगों ने कमर कस ली है और कोविड-19 के तहत सभी प्रकार की गाइडलाइंस को फॉलो कराते हुए पर्यटकों को 2 शिफ्ट में क्लास का दीदार कराया जा रहा है। आगरा से आदित्य मुद्गल, ग्लोबल भारत।